बहुत सारे बंदे ऐसा लिख रहे हैं कि CSW एक्सपोज, CSW प्लेयर्स ऑल आईडी बैन, CSW मेन लाइन, CSW 1 इज हैकर, तो बहुत सारे तरीके का, ठीक है। तो उस चीज़ का ही रियलिटी क्या, हाँ सच में क्या बैन है, सच में क्या कोई कोई ऐसा कुछ अफवाह फैला रहा है या फिर मैनिपुलेट कर रहा है या फिर कुछ बैन है, और कहाँ से ये चीज़ आया है, कोई मतलब कर रहा है, मुझे उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, नहीं कोई मतलब है, और मैं जानता भी नहीं हूँ, ठीक है, उस चीज़ को। बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मैं अपनी साइड से सारी चीज़ें यहाँ पे ऑन कैमरा आप लोगों के सामने सारी चीज़ें देखूंगा, पुराने पुराने लाइव स्ट्रीम, पुराने पुराने जो भी टूर्नामेंट्स हम लोग खेले हैं, नॉन स्टॉप भाई का हो गया, मेरे हो गए, या फिर बार बार, तो सारे के सारे लाइव स्ट्रीम से UID उठाएंगे अपने प्लेयर्स की, एक साल डेढ़ साल पहले पहले की, जब से हम लोग खेल रहे हैं टूर्नामेंट्स, तो उसी टाइम से, और हर एक का UID हम लोग चेक करेंगे, साथ में हम लोग देखेंगे उस ID का अभी क्या हालत है, क्या सच में बैन है या फिर नहीं। तो आप लोग वीडियो में पूरा का पूरा बने रहिए, जुड़े रहिए, और आज इस चीज़ में एज ए मतलब क्या बोलूँ, एक डायरेक्ट ऑडियंस बोल सकते हो या फिर डायरेक्ट जजमेंट यहाँ पे है, जो कि गाइस हमारे स्टाइलो भाई। नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे जो है जजमेंट करने। मैं पहले आप लोगों को बता दूं, कुछ भी आप लोग कमेंट में उल्टा सीधा बोलो उससे पहले कि मैं यहाँ पे जो है ब्रांड दोस्त है, इस वजह से जो है ये वाला वीडियो ब्रांड के सपोर्ट में जो है साथ में बना रहा हूँ, ऐसा वाला कोई बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं न्यूट्रल रहूंगा अगर ब्रांड यहाँ पे मुझे दिखा, ठीक है, अब यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन आप लोगों को दिखेगा, अगर ब्रांड यहाँ पे मुझे कुछ भी गलत दिखा तो मैं डायरेक्ट टोकूंगा और वही वाला वीडियो ब्रांड भी अपलोड करेगा, ठीक है। मैं मतलब ये चीज बता दूं, मतलब एज अ जज मैं यहाँ पे रहूंगा, ठीक है। तो चलो पहले UIDs देखते हैं, फिर उसके बाद जो भी बातचीत है वो सब करते हैं। गाइस सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे अपने जो लाइनअप है, वो लाइनअप यहाँ पे कौन कौन है उस लाइनअप पे, सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे अभी के टाइम पे आप लोगों को पता ही है कौन कौन है लाइनअप पे। स्पाइक यहाँ पे साइड में आप लोगों को लिस्ट भी दिख जाएगा, एक बार देख लो अच्छे से, जो सात बंदे अभी के टाइम पे लाइनअप से खेलते हैं। स्पाइक है, सेक्सा है, नाइट है, स्काई है, वरु है, सावन है, एंड साइकत भी है। तो सात के सात प्लेयर्स खेलते हैं लाइनअप से, आप लोगों को पता है टीम वन कहाँ जाते हैं, CSW 1 कहाँ जाते हैं। तो इनके अंदर से जो सात बंदे हैं, इन सातों का मैं ID चेक करूंगा और सातों का ही देखूंगा कि क्या सीन है, आप लोगों को क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो सारे के सारे चीजें क्या बोलते हो स्टाइल भाई, पुराने पुराने जो लाइव स्ट्रीम है वहां से हम लोग देखेंगे ना प्लेयर्स, पुराने लाइव स्ट्रीम से दिखाओ, देखते हैं। और अभी जो रिसेंट रिसेंट भी जो मैचेस खेला, NG1 हो, NG2 हो, NL2 के सामने, NL के सामने अभी टूर्नामेंट भी खेले हैं, तो वहां से भी हम लोग UID उठा के देखेंगे सेम है कि नहीं, ठीक है। तो सारी चीजें हम लोग देख लेंगे, ठीक है, अभी के अभी ऑन लाइव, और एक एक बंदे का देखेंगे, जस्ट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक एक बंदे का प्रैक्टिकली यहाँ पे गेम में भी हुआ है, यहाँ से UID भी डन करूंगा, ठीक है। तो एक एक बंदे का सबका देखते हैं, चलो चलो। तो गाइस आप लोगों को पता है, सबसे पहले हम लोग जब NG टूर्नामेंट खेले थे तो CSW वर्सेस टोबी गेमर का मैच हुआ था, और वो भी गाइस एक साल के आसपास, एक साल पहले ही बोल सकते हो, ठीक है। 8 मंथ देखो मैंने वीडियो डाला, क्योंकि मैचेस हो गया उसके बाद मैं लेट वीडियो डालता हूँ, तो गाइस इस वीडियो का हुआ है 8 मंथ। तो इस वीडियो में देखते हैं सबसे पहले कौन कौन है, ठीक है, और इसी में से देखते हैं गाइस एक एक का ID। चले गाइस बढ़ते हैं फर्स्ट गेम की तरफ, टूबी रेटलर क्यूरो, और यहाँ पे है तो गाइस पहला बंदा होने वाला है इस CSW स्पाइक जो मेरे को स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, और जी हाँ UID में आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को पता ही है, जबकि तब की बात है जब CSW वर्सेस टोबी गेमर का मैच हुआ था, जो मैंने दिखाया अभी जस्ट 8 मंथ पहले जो मैचेस हुआ था, या फिर 1 ईयर पहले, तो तब का UID यहाँ पे देख लो स्टाइल भाई, देख लो। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट तो यहाँ पे ऊपर दिख ही रहा है, तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट के साथ जो है ये वाला UID जो है थोड़ा सा आप लोग मैच कर लो, वो है 2132552170, ये है CSW स्पाइक का यहाँ पे जो है UID। अब देखते हैं ब्रांड क्या दिखा रहा है कि क्या ये ID ऑन है या फिर बैन हो गया, दिखाओ। ये है स्पाइक की ID, जो कि गाइस अभी आज के 5 घंटे पहले ऑनलाइन, हाँ 5 घंटे पहले ऑनलाइन। प्रोफाइल खोलो जरा, प्रोफाइल करो, ऐसे तो नहीं मानूंगा, पहले प्रोफाइल खोलो, देख लो गाइस एक्टिव है, एक्टिव है बंदा, ठीक है, और गिल्ड में भी है, और इसी ID से चारों तरफ खेल के मचा रहा है, और आप लोगों को पता ही है, आप लोग अगर जानना चाहते हो और ज्यादा, तो रिसेंट जो भी मैचेस स्पाइक खेले हैं आप लोगों को ये UID कॉपी करो, और जाके रिसेंट 3 दिन का जो शो हुआ, NG1 के सामने भी खेले हैं इसी ID से देख लो जाके, NL के सामने भी इसी ID से खेला है, NXT के सामने भी इसी ID से खेला, एक लौता ID है स्पाइक का, इसी से खेलते हैं चारों तरफ और मचाते हैं गाइस, ठीक है। तो जो भी है गाइस, और अपडेट के बाद भी यहाँ पे कितने सारे गेम्स खेले हैं, ठीक है। चलो ये तो, चलो ये बंदा तो चलो हो गया क्लैरिफाई, अभी दूसरा बंदा स्पाइक का, और चलो अब देखते हैं गाइस दूसरे, तो गाइस अगला बंदा जिसका UID हमें ब्रांड सबको दिखाने वाला है, वो है सावन, और सावन का UID मैं आप लोगों को बता देता हूं, और ब्रांड जो है स्क्रीनशॉट भी जो है डाल देगा, उसके साथ आप लोग मैच कर लेना, 1504302503, ये है ID। चलो देखते हैं अभी क्या ये बैन है या फिर नहीं।
देख चुके हो आप लोग यूआईडी, और 8 मंथ पहले ये बंदा, वो जो टूर्नामेंट्स थे सीएसडब्ल्यू वर्सेस टूबी के मैं बोल रहा हूँ, ये उससे भी पहले का आईडी है, ठीक है, मतलब टूर्नामेंट से भी पहले का आईडी है ये, तब से ये खेल रहा है, ठीक है, इसी आईडी से। तो आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ, ये नॉर्मली मैचेस था एनएक्सटी मोबाइल के साथ आई थिंक, हाँ जी हाँ, जितना मेरे को देखने को मिल रहा है। तो चलो, ये पूरी सावन का आईडी है 15043025 03, है ना, तो सावन का गाइस आईडी देख सकते हो, और सावन ऑनलाइन भी है, और यहाँ पे गाइस आप लोगों को मैं दिखा दूं, सावन भी यहाँ पे मेन लाइनअप से बिलोंग कर रहा है, और आप लोगों को पता है बंदा खेलता भी काफी अच्छा है, खतरनाक खेलता है। ये भी इसका मतलब आईडी तो बैन नहीं हुआ, ये तो पता चल रहा है, चलो आईडी तो ऑनलाइन है गाइस, आईडी तो बैन नहीं है ये, चलो सही है, और गिल्ड में चलो यही आईडी, ठीक है, आप लोग देख लिए स्क्रीनशॉट के साथ साथ आईडी। अब तीसरा तरफ हम लोग बढ़ेंगे, अब हम लोग बढ़ेंगे गाइस यहाँ पे, चलिए सेक्सा की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है थर्ड बंदा जो भी बताया ब्रांड ने जो है सेक्सा, उसका भी स्क्रीनशॉट आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा, और आप लोग यूआईडी मैच करवा लो 23727012240। और ये तो ये है जो मुझे दिख रहा है, तो अभी देखते हैं वाला बंदा क्या है, यहाँ पे अपना आईडी बैन करवा चुका है या फिर फेयर प्लेयर है। चलो तो गाइस यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे जो सेक्सा दिख रहा है ये टूर्नामेंट था, सेम टूर्नामेंट सब खेले थे, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, CSW वर्सेस टूबी कमर जो इंजी टूर्नामेंट पहले थे, जो 8 मंथ पहले आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट पहले ही दिखा चुका हूँ, ये टूर्नामेंट मतलब एक साल पहले का है, बट वीडियो लेट आता है, आपको पता है स्ट्रीम किया है नॉनस्टॉप भाई ने एक साल पहले, बट मैं वीडियो 2 महीना बाद डाला या 1 महीना बाद डाला, ठीक है, तो आप लोगों को भी पता है वीडियो में डालता नहीं उतना ज़्यादा। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को UID दिखा, और ये UID आप लोगों को जो स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिख रहा है सेम UID अभी जाके हम लोग सर्च करने वाले यहाँ पे गेम पे, चलिए 23727012240 है ना सैलो भाई, यही था 23727012407012 40। चले गए ऑनलाइन है भाई, सेक्सा भाई भी हमारे ऑनलाइन है हमारे बीच, अरे भाई लो ये भी ऑनलाइन ऑनलाइन है भाई, और ये मतलब तुम बताओ फिर चल क्या रहा है फिर। तो गाइस यहाँ पे हम तो यार हाँ, तो ये भाई ऑनलाइन है, और आप यहाँ पे हम लोग देखेंगे CSW वरु के आईडी, ठीक है गाइस, जो कि बहुत पुराने प्लेयर है और अभी भी है, और मेन लाइन आपसे बहुत टाइम से है, ठीक है, तो हम लोग अभी वरु के आईडी देखने वाले हैं, और उससे पहले गाइस स्टाइलो भाई तुम्हें भी दिखा देता हूँ, और स्क्रीन पे भी दिखेगा, दिखाओ। चौथा बंदा तो आप लोगों ने सुन लिया गाइस, जो है ब्रांड ने बताया जो है वरु, तो वरु का जो है 2 आईडी है, पहला आईडी आप लोगों को स्क्रीनशॉट ऊपर दिख रहा होगा, वो है 54048322, ये है पहला आईडी, और दूसरा आईडी ब्रांड दिखाओ एक बार, और ये भी 8 मंथ पुराना ही है, आप लोग ऊपर देख सकते हो, और जो है 11,000 व्यूज के साइड में, और जो है एनजी मोबाइल एनएक्सटी मोबाइल के अगेंस्ट में यहां पे गेम प्ले चल रहा है। दूसरा आईडी दिखाओ, ये वाला, ये एमएफ के सामने, ये नया आईडी है। हां तो गाइस एक और स्क्रीनशॉट आप लोगों को ऊपर दिखते हुए जो है नॉनस्टॉप बाइक के टूर्नामेंट आप लोगों को दिख रहा है, जो है एएमएफ के अगेंस्ट में यहां पे खेल रहा था वरु, और उसका यूआईडी 40423 1283, ये है यहाँ पे UID। तो ब्रांड दिखाओ यहाँ पे कि ये दोनों आईडी बैन है या फिर अभी भी चल रहा है। सबसे पहले तुम जो आईडी देखे वो कौन सा था एक बार, उससे उस पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जो देखे है, तुम बोलते जाओ आईडी बताओ स्टाइलो भाई, अब तुम जो आईडी तो दिख गया स्क्रीन में भी है, 54048 54048 54048 8 3 2 3 2 2, ये है पहला आईडी वाला आईडी। ये देखो गाइस यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, सेम आईडी है, देयर इज करेंटली नॉट एनफ एविडेंस टू प्रूव दैट अकाउंट यूजिंग हैक्स, थैंक यू फॉर द सपोर्ट, ठीक है ओके। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट ऊपर दिख रहा होगा, और मुझे भी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये वाला आईडी भी जो है सोल्ड हो अनबैन है, बैन नहीं हुआ है, सोल्ड है बट बैन नहीं है, ठीक है, ये आईडी सोल्ड है। सो इसके बाद हाँ, इसके बाद एएमएफ वाला जो आईडी आप लोगों को मैंने अभी जस्ट दिखाया था, उस पे फिर से चलते हैं। आप लोगों के पास था एएमएफ के साथ खेला था, ये भी गाइस वरु का सोल्ड है, ठीक है, बट इसका भी कोई बैन नहीं है, ये भी बैन नहीं है, ये भी एक्टिव आईडी है, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ओके दिखाओ मैं बोलता हूँ, बोलो तो यूआईडी है 40423 1 40423 1 2 1 2 8 3 2 8 3 2 8 3। तो गाइस ये जो आईडी है 5 आवर्स पहले ऑनलाइन थे, और ये भी आईडी सोल्ड है, ठीक है, 5 आवर्स पहले ऑनलाइन, ये वाले पे ये वाले तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो है नेम चेंज है, लर्न बॉय है, और एक्टिव भी है यहाँ पे, ठीक है, और ये भी है, ठीक है, तो ये
सो गाइस ये अकाउंट भी फिर बैन नहीं है और दोनों अकाउंट उसका सोल्ड है, और अभी के टाइम पे वो जिस अकाउंट से है वो आप लोगों को मैं यहाँ पे गिल्ड में जो है, गिल्ड में जो आईडी है, ठीक है, सो वो आईडी आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, वरू का जो आईडी से वो गिल्ड में है अभी, और जो लिया है बेसिकली स्टाइएक्स गिल्ड के ही एक बंदे से बाई किया है अभी फिलहाल, कलेक्शन अच्छा है जिसके कारण, ठीक है। तो फिलहाल तो यहाँ पे गाइस ये है वरू का आईडी, आप लोग को अगर खेलना है तो वरू को रिक्वेस्ट डाल देना, ये है आईडी, नया आईडी, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बंदे की तरफ। चलो नेक्स्ट बंदे हमारे होने वाले गाइस सीएसडब्ल्यू, नेक्स्ट बंदा कौन होगा, नेक्स्ट बंदा हो रहा है शाइकत। हाँ, सीएसडब्ल्यू शाइकत, जो कि बहुत टाइम पहले गेम पे थे और 6 मंथ का ब्रेक लिए थे पर्सनली, और अभी तक ब्रेक में ही चल रहा है सोचो, बट हाँ टीम के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, कभी कभी मैचेस खेलते हैं, बहुत कम देखने को मिलता है, बट आईडी एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट, दिखाया जाए आईडी, पेश किया जाए आईडी, देखते हैं आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखता हुआ ऊपर, और इसका भी यूआईडी जो है मैं आप लोगों को क्लेरिफाई कर देता हूँ, जो है 2499545468 ये है यूआईडी, अब देखते हैं ये वाला आईडी भी क्या एक्टिव है या फिर ये मैच वही है जो सीएसडब्ल्यू वर्सेस 2B गेमर 8 मंथ पहले वीडियो डाला और 1 ईयर पहले मैच हुआ, ठीक है, सबसे पहला टूर्नामेंट है हमारा उस टाइम से। हां तो आईडी है 2499545468 1 आवर पहले, अरे भाई 1 घंटा, ठीक है, कितना हो रहा है ये किसने हैक एलिगेशन लगा दिया है, तो सब लोग मतलब सबके सब बंद हो गए यहां पे आईडी एक्टिव है, सबके सब जिंदा है, तो चल क्या रहा है ये ग्रुप और गिल्ड में भी है, देख लो आईडी, ठीक है, तो भाई ये हो गया एक, ठीक है। अच्छा अब जो है दो बंदे ऐसा है जो बहुत न्यू प्लेयर है, जैसे कि सोच लो आप उनका 6 मंथ भी नहीं हुए गिल्ड में बट मेन लाइन अप पे है, तो वो ज्यादा पावरफुल है इसलिए ज्यादा जल्दी घुस पाए, वो उनका ही क्रेडिट है, बट उनका नाम पेश कर रहा हूँ, उनका नाम बता रहा हूँ, जैसे कि CSW Skyjord एंड CSW Knight, ठीक है। अब देखो इनका मैं बता दूँ, ये लोग जैसे एक आसमान तो एक रात, ओके दिखाओ जरा यूआईडी, पुराने प्लेयर जो है इतने, ये जो था ये सब का एक साल होने वाला है, बट वो दोनों पूरा का पूरा नया स्टार है, सितारा है जो अभी के टाइम पे दिख रहा है, तो आप लोगों को पता ही है। और स्काई ज्यादा दिन टीम वन से नहीं है, 2-3 महीना ही खेला है, बट हाँ बहुत टाइम से गिल्ड में है, तो उसी टाइम का ही हम लोग स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। और नाइट जब से गिल्ड में आया, फर्स्ट टूर्नामेंट उसका जो था वहां से जो यूआईडी कलेक्ट किया उसी टाइम से हम लोग वो आईडी दिखाएंगे और देखते क्या होता है, ठीक है, दोनों का ही दिखाते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग स्काई पे चलते हैं, ठीक है, तो चलो दिखाओ स्काई का यूआईडी, दिखाओ आप लोगों को ऊपर जो स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिख रहा है, जो है टेस्टिंग रिएक्शन स्ट्रीम का, मतलब जो है शाउट भाई के स्ट्रीम पे देख सकते हो, 6 मंथ पुराना, और यहाँ पे जो स्टाइलो भाई बताओ यूआईडी और स्क्रीन पे भी तो देख रहा है, यूआईडी है 7040 7401424 2435 Skyjord, ये बंदा भी ऑनलाइन है, क्या चल रहा है यार। चलो उसके बाद लास्ट एंड फाइनल प्लेयर जो है गाइस सीएसडब्ल्यू नाइट, और नाइट भी हम लोगों के गिल्ड में आए थे ओनली 5 मंथ ऐसा कुछ हुआ है, आप लोगों को भी पता है जो भी चीज़, 5 मंथ या 4 मंथ हुआ, और जिस टाइम पे आए थे उसके बाद फर्स्ट टूर्नामेंट उसका जो था वो देखते हैं, सबसे पहले कौन सा था, वो था गाइस सीएसडब्ल्यू वर्सेस एएमएफ एनजी टूर्नामेंट, ठीक है, एएमएफ यस सीएसडब्ल्यू, और वो वाला गेम तुमने 7-0 से विन भी किया था, जिसमें 5-0 हो गया था, 6-0 हम लोग विन किए थे 7-3 में, बट 7-0 से विन नहीं हुए थे, वो लोग को 6-0 कर दिया था, वो लोग 3 राउंड कम बैक कर लिए थे, समझ रहे, अच्छा देखो 5-0 दिख रहा है, देखो और आप लोग यहाँ पे जो यूआईडी भी जो है एक बार वापस से मैच करवा लो, ऊपर आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, यूआईडी है गाइस 2066577040, 4 मंथ पुराना, आप लोगों को स्क्रीनशॉट को ऊपर भी यहाँ पे दिख रहा होगा, 4 मंथ पुराना है और मैच 6 महीना पुराना है, ठीक है, हाँ 2 महीना बाद यहाँ पे डाला है, समझ सकते हो आप लोग, हाँ क्योंकि मैं वीडियो डालता नहीं हूँ ना, वही सीन है, मैं तो कम डालता हूँ बहुत, तो चलो अभी इसका भी जो है इन गेम यूआईडी पेश किया जाए, 2066577 0 4 0 0 4 0, लेट्स सी 54, अरे ले भाई ये भी 1 घंटा पहले ऑनलाइन, ठीक है, यार मैं तो सोचा था तुम्हारे साथ बैठ के आज तुम्हारे गिल्ड को मैं एक्सपोज करूंगा, लेकिन यार ये तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है यार, कोई भी हैकर नहीं निकल रहा है, क्या सीन है यार। गाइस ये हो गए गाइस जो भी प्लेयर्स के आईडी बैन के बारे में जो भी बंदे सोच रहे थे, गलत सोच रहे थे आप लोग, ठीक है, और बाकी आप लोग जो मेरे को बोल रहे थे बहुत ज़्यादा दिल को ठेस पहुंच रहा था, बट कुछ नहीं कर सकते क्योंकि देखो दुनिया पे अगर कोई मैनिपुलेट कर रहा है किसी को किसी के बारे में तो वहाँ पे आप लोगों का भी गलती नहीं है, हो सकता है, बट हाँ ये चीज़ देखने के बाद अब आप लोगों के सामने ही है जो भी है, सब कुछ मैंने दिखा दिया। और रही बात एक और चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ, मैंने CSW स्टार्ट किया था 2022 के जनवरी में, बट 2023 में मैंने PC लिया था, उससे पहले तक ये PC गिल्ड नहीं था, एक नॉर्मल गिल्ड था, और उससे पहले तक मेरे पास ही PC नहीं था, तो मैं
कोई पीसी चेक या फिर कोई टूर्नामेंट या फिर कुछ भी नहीं होता था, जब जस्ट मैं लाइव करता था, गिल्ड टेस्ट करता था, या फिर हम लोग ऐसे ही नॉर्मली बातें करते थे, सीएसआर खेलते थे, जस्ट नॉर्मल एकदम बेसिक स्ट्रीमर थे तुम, इसका मतलब स्ट्रीमर था। हाँ, और उसके बाद जब हम लोग 2023 में पीसी लिया मैंने, 2023 फर्स्ट टाइम, मतलब उसी टाइम पर न्यू ईयर के आसपास ही पीसी लिया। उसके बाद मैंने गिल्ड को पीसी की साइड से पूरा का पूरा तैयार किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने पीसी चेक अवेलेबल कर दिया, मतलब गिल्ड में एप्लीकेबल कर दिया, हाँ कंपलसरी कर दिया, हाँ भाई आने के लिए भी कर होना पड़ेगा, और जितने भी थे उस टाइम सबका पीसी चेक करा सबका उस टाइम से, कोई भी ऐसा ना कि हाँ कोई गलत हो मेरे साथ, या फिर ऑडियंस के भरोसे के साथ हम लोग खेले, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम से, पूरा पूरा आप लोगों को दिख रहा है। और उसके बाद ही हम लोग आई थिंक, मेरे को लगता है मार्च या अप्रैल, जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, तो पिछला साल का अप्रैल में ही हम लोग नॉन स्टॉप का टूर्नामेंट भी ज्वाइन किए थे, और वो सारी चीज़ें वहाँ से दिखा दिए, और जितने भी बंदे उस टाइम से मेन लाइन अप पे है सारे के सारे आईडीज आप लोगों को दिख गए। बहुत सारे बंदे ऐसा बोल रहे हैं भाई सीएसडब्ल्यू ब्रांड स्कैमर, या फिर बहुत सारे कहीं पर कहीं से मेरे को ना वॉइस आ रहा है कि भाई कोई कुछ मतलब गिल्ड के लिए मैं पैसा लेता हूँ या फिर जो भी है। तो आप खुद को क्वेश्चन करो, आप में से भी आप हर एक बंदे मेरे को गिल्ड के लिए बोले हो, 90% बंदे या फिर 80% बंदे, कि आपको मैंने कभी पैसा मांगा, अब ये चीज़ सोच के देखना, हर एक बंदे को बोल रहा हूँ आपको मांगा मैंने, तो भाई कैसे मैं ले सकता हूँ किसी से पैसा। और अगर कोई आपको दिखा रहा है तो हो सकता है कोई पेड कोलेब्रेशन का स्क्रीनशॉट, या फिर पैसे मेरे को बहुत बंदे भेजते हैं, ऐसा नहीं मंथ में मेरे को 100 बंदे पैसे भेजते हैं, क्यों, क्योंकि टूर्नामेंट रजिस्ट्रेशन भी होते हैं, उसका भी पैसे आते हैं आप लोगों को पता है, और वो मैं गर्व के साथ लेता हूँ, कम्युनिटी पोस्ट में डाल देता हूँ, वीडियो बना देता हूँ, वो स्क्रीनशॉट को मैनिपुलेट करके अगर कोई बोले मैं पैसा स्कैम किया, तो भाई स्क्रीनशॉट तो है, आप स्क्रीनशॉट देख के मैनिपुलेट हो जा रहे हो, बट असल में क्या है आपको नहीं पता, आप आके इस कमेंट बॉक्स में गाली दे रहे हो चलेगा, बट भाई समझो बात को पहले, गलती है तब दो, तब कुछ बोलो, तब मैं सुनता हूँ, हाँ ठीक है, बट मैं करूँगा भी नहीं ऐसा घटिया काम। तो एक मेरे पास एक वॉइस भी आए थे जो कि वहाँ पे कुछ पैसे वाली बात चल रहा है, जो वॉइस मैंने सुना उसके बाद तो देखा भाई वो पेड कोलेब्रेशन था, गिल्ड कोलेब्रेशन जब पहले की टाइम पे, आज से 1.5 साल पहले, ये जब गिल्ड नॉर्मल मोबाइल में ही था, तब मैं गिल्ड कोलेब्रेशन करता था, आप लोगों को बहुत सारे, आप लोगों में से बहुत सारे बंदे को पता है कि भाई मैं गिल्ड कोलेब्रेशन करता था जिसमें सीएसडब्ल्यू का ब्रांच बना करता था, जैसे सीएसडब्ल्यू डायनामिक, सीएसडब्ल्यू क्राउन, सीएसडब्ल्यू रशर, बहुत सारे इस तरीके का ब्रांच बना करता था, और उनका एक कंडीशन रहता था कि 1K उनको स्पॉन्सर करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी मैनेजमेंट टीम है उनके लिए, जो मैनेज करेगा गिल्ड, उनके गिल्ड में बंदे डालेंगे, उनके मतलब ये सारी चीज़ें, ठीक है, जिसके कारण जो टीम गिल्ड लीडर है उसको स्पॉन्सर करना पड़ेगा ताकि उस पैसे से टूर्नामेंट्स वगैरह हो। बट उस वॉइस को कोई यूज़ करके बोल रहा है भाई गिल्ड ज्वाइन के लिए पैसा लिया, बट उस वॉइस में पक्का वहाँ पे पूरा का पूरा सुनाई दे रहा है कोलेब्रेशन टॉपिक में बात हुआ है, बट वहाँ पे कोई मैनिपुलेट कर रहा है, भाई 500 रुपये लेके कहाँ चला जाऊँगा मैं, भाई अमीर हो जाऊँगा क्या 500 रुपये लेके, भाई और कुछ नहीं बोलना है, बाकी सारी चीज़ें तो भाई आप लोगों के सामने ही है। ऐसे मैंने अपनी गिल्ड को अपनी दिल से बना रहा हूँ, अच्छे से बना रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगा कि गिल्ड में कोई बंदा रहे और उसका गेम प्ले बहुत ज़्यादा डाउन है, जिसके कारण गेम प्ले खराब है तो भाई गिल्ड के नाम खराब हो या ऊंचाई तक ना पहुंच पाए। मैं चाहूँगा अच्छे प्लेयर रहे, आप में से भी जो अच्छा है उसको मौका मिले। आप बोलोगे भाई ओल्ड प्लेयर को क्यों किक कर रहे हो, भाई देखो ओल्ड प्लेयर न्यू प्लेयर मेरे सामने कुछ मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है गेम प्ले और रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ में गए हर मतलब बिहेवियर सब कुछ, ऐसा अगर सारी चीज़ें सही रहे तो गिल्ड में रहते हैं, बट कुछ बंदे को मैंने गिल्ड से किक कर देता हूँ वो बाद में जाके हेटर बन जाता है, तो ऐसे ही बंदे सबसे पहले तो शुरुआत करते इस चीज़ का, ऐसे मैनिपुलेशन का। बाकी मेरे को और कुछ नहीं कहना है, बाकी जो जो चाहे करे, जो चाहे बोले, बट हाँ जो लोग के सामने रियलिटी दिख गया है वो लोग तो समझदार है, बाकी मेरे को कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। मैं ही कुछ थोड़ा सा दो तीन बात बोलना चाहता हूँ। पहले तो बात तो इस गिल्ड के लिए है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहूंगा, मैं कुछ ज्यादा यहाँ पे मतलब ना मैं ब्रांड के साइड में जाऊंगा या फिर जो भी हेटर्स हैं मैं उनके साइड में जाने वाला हूँ, ऐसा कुछ वाला बात नहीं है। मैं पहले देखूंगा कि किसका आईडी बैन है क्या कुछ नहीं है। जितने भी आप लोगों को मतलब आंखों के सामने लाइव यहाँ पे मतलब आप लोगों ने देखा, सबका आईडी जो है अनबैन है, किसी का आईडी बैन नहीं है, तो इससे तो साफ साफ पता चल रहा है जो उसको समझाने का आपको भी पता है, मैं लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, वीडियो से एडिट भी करना पड़ेगा, आगे से वीडियो वगैरह भी आएगा, बाकी काम रहता है गिल्ड संभालना, गिल्ड मैनेजमेंट वगैरह, तो मेरे को बस इतना ही था कि क्लैरिटी देना एक वीडियो में, सारे रियलिटी जो है आप लोगों के सामने थे, आप लोग देखे हो। बाकी अब से गाइस थोड़ा सा बस इतना ही बोलूंगा कि अगर सपोर्ट करते हो तो भाई एक ऐसा मतलब दिल से सपोर्ट किया करो, जब तक आपको खुद प्रूफ पता ना चले, अच्छे से पता ना चले, जजमेंट करो 10 बार, उसके बाद चाहे मेरे लिए क्यों ना हो, आप हर किसी के लिए जो भी प्लेयर्स या जो भी कास्टर को आप सपोर्ट कर रहे हो ना, उसका उसको अगर सपोर्ट कर रहे हो तो दिल से करो, वरना मत किया करो, ठीक है। आप दिल से करते हो उसके बाद जब आप ही उसको गाली दोगे या फिर उल्टा सीधा सुनाते हो तो बुरा तो लगता है।
बाकी मेरे को और कुछ कहना नहीं है और बोलना भी नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोगों के ऊपर है, कमेंट बॉक्स में जो भी है लिख देना आप लोगों का, कर देना सारे भाई लोग एक एक ड्रॉप कर देना कमेंट जो भी आप लोगों को लगे, ठीक है।